टोसिस टोसिस को देख लेते हैं। ये हमारे पास ड्रूपिंग का पायलट होता है, जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। लेफ्ट साइड पे जो है वो नॉर्मल आई है, और राइट साइड पे हमें अपर आईलिड जो है वो ड्रूप्ड मिल रहा है। इसमें डिफरेंट काजेज हो सकती हैं, जैसे हमें हॉर्नर सिंड्रोम में मिल सकता है, या फिर थर्ड नर्व फेशियल क्रेनियल नर्व पॉलिसी में। अच्छा, इसमें टॉसिस की फिर हमारे पास सिवेरिटी आ जाती है, ग्रेडिंग आ जाती है। डिस्टेंस बिटवीन अपर आईलिड मार्जिन एंड लाइट रिफ्लेक्सिस, MRT भी कहते हैं। तो ये इससे इतना होता है नॉर्मली। लेकिन माइल्ड टॉसिस में क्या है, 2 mm ऑफ ड्रॉप होगा, मॉडरेट टॉसिस में 3 mm ड्रॉप होगा, और सिवियर टॉसिस में 4 mm या इससे भी ज़्यादा ड्रॉपिंग हो सकती है अपर आईलिड की।